बिग बॉस ओटीटी में आज नॉमिनेशन टास्क से पहले जहां किचन में अपना कप ना धोने की वजह से शमिता और प्रतीक के बीच बहस छिड़ जाती है, जहां जो प्रतीक बोलता है वो शमिता रिपीट करती है और उसी की तरह इनेक्ट भी करती है। प्रतीक को इरिटेट करने के लिए शमिता बिल्कुल उनकी मिरर इमेज बनके जो प्रतीक करते हैं जैसे करते हैं वैसे ही करती रहती है। जहां एज यूजुअल शमिता को सपोर्ट करने घर के ज्यादातर मेंबर्स आ जाते हैं। इस पूरे झगड़े के दौरान प्रतीक के साथ अक्षरा भी वहीं बनी रहती है। जब प्रतीक और शमिता के चल रहे झगड़े के बीच बहती गंगा में हाथ धोने राकेश और रिधिमा भी एक एक बार आके प्रतीक से झगड़ जाते हैं। अक्षरा भी सबसे कहती है कि जहां सबको अपने अपने कप धोने हैं वहां प्रतीक बहुत बार सबके कप भी धो लेते हैं, जिसपे नेहा कहती है कि मैं भी बहुत बार सबके कप धोती हूं, तो झूठ मत बोलो। अक्षरा काफी बार कहती है कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, आप जैसे बड़ी सच्चाई की मूरत बनती फिरती है। जहां जीशान और नेहा बार बार कहते हैं कि ये सब तुम लोगों का गेम है। फिर नेहा को सपोर्ट करने शमिता भी अक्षरा से लड़ने लगती है। जब अक्षरा कहती है आप बीच में मत बोलिए, हम दो जने आपस में बात कर रहे हैं, जिसपे शमिता कहती है कि नहीं वो मेरे ग्रुप की है तो मैं इसे सपोर्ट करूंगी। जहाँ अक्षरा भी कहती है कि अच्छा आप लोग सब एक ग्रुप है तो फिर आ जाइए। फिर शमिता अपने ग्रुप से कहती है कि चलो सब बैकग्राउंड में ताली बजाओ, और अक्षरा अपने दिमाग में एक बात रख लो कि हमने तुम्हें कभी भी कुछ बुरा नहीं कहा है, ये बार बार सिंपथी कार्ड खेलना छोड़ो। फिर नेहा भी अक्षरा से कहती है कि अपनी दोस्ती का तो लिहाज नहीं किया तुमने। तब अक्षरा नेहा पे भड़क के कहती है कि दोस्ती कैसे करनी है ये आप मुझे नहीं बताएंगे। नेहा अक्षरा को याद दिलाती है कि टास्क के दौरान उन्होंने मिलिन के साथ दोस्ती नहीं निभाई। अक्षरा कहती है कि ये टास्क और ये गेम ठीक है, लेकिन उससे हमारी दोस्ती पहले से है और घर के बाहर जाने के बाद भी रहेगी, तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि कैसे निभानी है। आप सबको हम क्या इलिटरेट लगते हैं, हे ईश्वर इन्हें बुद्धि दे। नेहा भी गुस्से में कहती है कि हमने आपको कभी ऐसा बोला ही नहीं, प्लीज सिंपथी कार्ड खेलना बंद करो, और ये झूठ बोल बोल के हमें ऑडियंस के सामने क्या प्रूव करना चाहती हो। हमने देख लिया तुमने कैसे टास्क के लिए गाबा से दोस्ती तोड़ी है। जिसपे अक्षरा और गुस्सा होके कहती है कि हमें गाली दे दो मार दो चलेगा, लेकिन हमारी दोस्ती के विषय में कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सब देख के मिलिन खुद नेहा से गुस्सा होके अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद जीशान नेहा शमिता का पक्ष लेने आते हैं, जिसको अक्षरा फिर से समझाती है कि मेरे बारे में मेरी दोस्ती के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी शमिता वहां आके जीशान को अंदर खींच के ले जाती है। तब अक्षरा प्रतीक को समझाती है कि मैं बार बार ईश्वर ईश्वर कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिंपथी कार्ड खेल रही हूं। वही शमिता जीशान के साथ अंदर कैमरा पे बोलती है कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री और अक्षरा के लिए कभी कुछ गलत नहीं बोला है, प्लीज उनके इस झूठ को ना माने।